हे हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी फैशन ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, साथ ही साथ इसका सेटअप कैसे करेंगे और वर्डप्रेस का कैसे आप सेटअप करके कस्टमाइजेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है दोस्तों, जिसके लिए आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही रिलायबल कंपनी है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी रेट पर आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ इसके हर होस्टिंग प्लान के साथ आपको डोमेन फ्री में अवेलेबल होता है 1 ईयर के लिए। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि wordpress.org वेबसाइट खुद इसे रिकमेंड करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको टोल फ्री नंबर भी मिल सकते हैं और अच्छा इनका चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन पा सकते हैं होस्टिंग में। तो इनके जैसे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग और ई कॉमर्स होस्टिंग के 3 प्लान अवेलेबल है। तो अब मैं आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो इसके प्लान के साथ जा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेसिक प्लस और चॉइस प्लस 3 प्लान अवेलेबल है। तो 179, 299 और 299 जैसे आप प्लान देख सकते हैं पर मंथ में। तो अगर बेसिक प्लान में जाए तो आपको 1 वेबसाइट मिलती है और US और इंडिया के सर्वर दोनों अवेलेबल है। आप जाए जो चाहे वो आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड है और साथ साथ 50 GB SSD स्टोरेज है। और साथ ही साथ जो इनका सपोर्ट भी है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और डोमेन ऑफ 1 ईयर के लिए आपको फ्री में मिलता ही है। डोमेन होता है वेबसाइट का एड्रेस, जिसे आप जो यूज़ में लेकर अपनी होस्टिंग में लगा के वेबसाइट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डोमेन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना कोई भी डोमेन एड्रेस या नेम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे .com, .in जो एक्सटेंशन आप यूज़ में लेना चाहे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस डोमेन .com इज़ अवेलेबल। तो इसलिए आपको ये जो नॉर्मल डिटेल है वो भरनी है और यहाँ पर जो आप 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए जो भी आपको सूटेबल हो वो प्लान खरीद सकते हैं। तो इनिशियल लेवल में तो आप 1 ईयर के साथ जा सकते हैं। इसको खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ इसमें आप आसानी से वर्डप्रेस या जुमला या कोई भी तरह के प्लगइन आप आसानी से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से अपने लॉगिन हो जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के। अब इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें थीम्स और प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम थीम्स ऑप्शन में जाएंगे या ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और या एक थीम इंस्टॉल करेंगे, ASTR एक्स्ट्रा थीम। बहुत ही अच्छी थीम है दोस्तों, इजी टू यूज़, कस्टमाइजेबल है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना होगा और फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना होगा। इसमें आप बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये थीम आपको इंस्टॉल करना। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी थीम इंस्टॉल हो गई, इसको अब हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम एक ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे या सर्च करेंगे ASTR एक्स्ट्रा और या आपको स्टार्टर टेम्पलेट जो दिखाई दे रहा है इस प्लगइन को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। फिर हम एक 2-3 प्लगइन और इंस्टॉल करेंगे, जैसे क्लासिक एडिटर है और ये सबसे फर्स्ट नंबर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और एक योस्ट SEO प्लगइन है दोस्तों, जो SEO करने का काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। इसका सेटअप करना भी आसान है, इससे लिए हमारे डेडिकेटेड वीडियो दिया गया कि आप योस्ट SEO का सेटअप कैसे करेंगे। तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो वो भी आप कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब स्टार्टेड टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे और हम अपने एलिमेंटर डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने स्टार्टेड टेम्पलेट में लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर आप इतने सारे फ्री टेम्पलेट दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इसमें से हम जो अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से जो भी चूज़ करके उसको सेटअप कर सकते हैं, इम्पोर्ट करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों इसका यूज़ करना और इसको कस्टमाइज़ करना, इसका सेटअप करना। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप समझ जाए कि आपको कैसे इसका यूज़ में लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फैशन लाइफस्टाइल ब्लॉग इस टाइप की वेबसाइट को हम इंपोर्ट करेंगे। इसमें जैसे आपको 3 पेज दिखाई दे रहे होंगे, होम, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, इनको आप इंपोर्ट कर लोगे इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक करके। तो जो तीनों पेज है एक साथ ही इसमें
इंपोर्ट हो जाएंगे, फिर आप आसानी से छोटे मोटे कस्टमाइजेशन करके एक अच्छी ढंग की वेबसाइट, प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें सेलेक्ट कर लेंगे हम बिगनर, और जो नॉर्मल डिटेल है वो फिल करके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस टाइम में। और फिर इंपोर्ट होने के बाद आसानी से आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दोस्तों। जैसे आपको कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई लिंक चेंज करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट है। तो क्रिएट हो गई हमारी वेबसाइट, ये एकदम प्रोफेशनल लुक है दोस्तों। और आप चाहो तो ब्लॉग भी लिख सकते हो, और वो उसकी लिंक आप सीधे इसमें दे सकते हो। तो ब्लॉग कैसे लिखते हैं, उनका SEO कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। ताकि अगर आप प्रॉपर ढंग से SEO करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक भी हो सकती है, और इससे आपकी ब्रांडिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे टाइप की वेबसाइट दोस्तों आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। तो वेबसाइट आप ये वर्डप्रेस पे बना सकते हैं आसानी से, वो भी फ्री में, बस होस्टिंग और डोमेन चाहिए होती है, तो वो आप ले सकते हैं या डोमेन ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की वेबसाइट क्रिएट हो गई है, एकदम अच्छी वेबसाइट दिखाई दे रही है। अब ब्लॉग सेक्शन में भी आपको बता देता हूँ जिस तरह का ब्लॉग सेक्शन है, जहाँ पर 3-4 ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि एक ब्लॉग है, ब्लॉग होता है दोस्तों नॉर्मली एक पोस्ट टाइप होता है जिस पर नॉर्मल डिटेल होती है, नॉर्मल पिक्चर्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कुछ चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे एडिट विद एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे ऊपर, तो हमारा एलिमेंटर जो टूल है वो प्लगइन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ इमेजेस है, इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कुछ नहीं ऐड करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। ये आप जैसे कोई गैलरी में हैं तो वो भी आप इसमें ऐड इमेज करके नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें आप इसमें जैसे जैसे ये साइज है तो वो आप सेट कर सकते हो। और अगर इमेजेस अगर आपकी खुद की और पर्सनल इमेजेस है अपने ऑफिस की, या अपने कोई पोर्टफोलियो की, या अपने कोई कस्टमर्स की, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें अपने कंप्यूटर से इसमें अपलोड करनी होती है, और सही इसका रेजोल्यूशन सेट करके आपको इसमें सेट करनी होती है, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं कि मतलब सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने इतनी अच्छी वेबसाइट बना ली है। सिर्फ क्लिक्स का खेल है दोस्तों, और मतलब आप आधे घंटे में अपनी बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन, इसमें अगर आप चाहे तो कुछ भी चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। और कुछ और डिटेल आप डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब जैसे कस्टमाइज पर क्लिक करके हम जो इसका हेडर और फुटर है दोस्तों वो भी चेंज करेंगे। हेडर और फुटर होता है दोस्तों मेनली जहाँ पे हमारे सेव होते हैं जो आइकन और जो प्राइमरी मेन्यू होते हैं ऊपर और नीचे वाली वेबसाइट में, तो वो हम चेंज करते हैं। जैसे आइकन आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर हम पेन के निशान पर क्लिक करके अगर आपको आइकन नहीं है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और आप चाहे तो नीचे फुटर भी चेंज कर सकते हैं इसमें आसानी से। और इस तरह आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस में भी आप देख सकते हैं
तो अगर आपको कोई पेजेस जिसे हमने ऐड किया हुआ है तो वो पेजेस भी आप सेट कर सकते हैं। कोई ब्लॉग आप लिखना चाहें तो पोस्ट आप वो भी लिख सकते हैं। पोस्ट से रिलेटेड हमारा अलग से एक वीडियो है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ब्लॉग आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ब्लॉग है, स्ट्रीट शॉपिंग टिप्स करके हैं, तो ये एकदम नॉर्मल ब्लॉग है। तो इस तरह आप अपनी बहुत ही प्रोफेशनल ब्लॉगिंग फैशन स्टाइल की बना सकते हैं। बस इमेजेस फीचर, इमेज कैसे यूज़ करना है, पोस्ट कैसे लिखना है, तो वो आप उसके लिए हमारा डेडिकेटेड एक वीडियो है तो वो आप चेक कर सकते हैं। और वो जो सेक्शन है वो आप इसमें, इसे भी आप जैसे ये ब्लॉग वाला सेक्शन, इसको भी आप एलिमेंटर से चेंज कर सकते हैं अगर आप इसमें स्टाइल चेंज करना चाहें तो। तो इस तरह आप एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फैशन ब्लॉगिंग साइट में भी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ब्लू ओस होस्टिंग खरीदनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही ट्रस्टेबल और रिलायबल कंपनी है जो आपको बहुत ही अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करवा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।